मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ब्रह्मास्त्र होने वाली है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जिन भी स्टूडेंट्स के सीटी यूजी कोर्सेज में बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं उनको इस एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके जीरो मार्क्स भी आ रहे हैं, चलिए जीरो मान लेते हैं, 50, 100, 200, 150, 250, 300 अगर बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं तो कौन सा एफिलेटेड कॉलेज मिलने वाला है, पूरी जानकारी आपको डिटेल में देने वाले हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, बीसीए की भी बात करेंगे और बीएलएलबी के लिए भी कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और नए छात्र हैं, अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल पर सुबह तो सभी एनालिसिस वीडियो चलती है जो डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन करना होता है, और शाम को सारी कट ऑफ वीडियो चलती है, जितनी भी एफिलिएटेड कॉलेज में कट ऑफ जारी होती है। ठीक है, सभी का ए टू जेड एक्सप्लेनेशन शाम को किया जाता है। तो आइए बताते हैं कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स जिनके 0, 50, 100, 200, ठीक है, मान लेते हैं बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, चलिए इतना तो बहुत कम मार्क्स है, इतना ठीक है, ये सबसे कम मार्क्स यही है। ठीक है, तो आपको बता दें बीए वाले स्टूडेंट्स, अगर आपको बता दूं दो एफिलेटेड कॉलेज ऐसे, ठीक है, एडीसी और एसपीएम। एसपीएम की अभी आपको कट ऑफ नहीं देखने को मिली होगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज की, लेकिन एडीसी में कट ऑफ आने लगी है। आपको बता दें गर्ल्स में कट ऑफ तो 100 चल रही है अभी बीए की गर्ल्स में, ठीक है, बीए की एडीसी में, और बॉयज की 75 चल रही है। सोचिए यूआर की कट ऑफ है, दोनों यूआर की कट ऑफ इतनी कम बीए में चल रही है इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में। अभी मैं और भी एफिलेटेड कॉलेज का बताने वाला हूँ, यही दो नहीं बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आपको बता दें बीकॉम की भी कट ऑफ, जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ जारी हो रही है। ठीक है, बीकॉम की भी कट ऑफ जारी हो रही है, और बीकॉम की भी जो कट ऑफ है सभी एफिलेटेड कॉलेजेस से एडीसी में सबसे ज्यादा गिर चुकी है यूआर की कट ऑफ। मैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं यूआर की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ जिसमें सभी कैटेगरी के स्टूडेंट आ जाते हैं। और कैटेगरी वाइज कट ऑफ तो जीरो भी रहने वाली है, कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैंडिडेट जिनके जीरो भी मार्क्स है वो भी आके एडीसी में एडमिशन ले सकते हैं, इतनी कट ऑफ गिरने वाली है। वहीं एडीसी में अभी बीएससी की कट ऑफ नहीं जारी हुई, और बीएससी की भी कट ऑफ सभी एफिलेटेड कॉलेजेस से कम मिलेगी देखने को एडीसी में इलाहाबाद डिग्री कॉलेज। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री एक कॉलेज ऐसा भी है जहां की शुरुआती कट ऑफ एडीसी की तरह ही आएगी, पहले 400, 200, 300 ऐसी चलेगी, लेकिन लास्ट तक इसकी भी कट ऑफ जो है वो एडीसी के बराबर, यानी कि 50, 100, 150 मार्क्स में, 0 मार्क्स में भी यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। ये दो एफिलेटेड कॉलेज ऐसे हैं एडीसी एसपीएम जहाँ बहुत कम मार्क्स, 0 मार्क्स मान के चलते हैं। ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम में आराम से एडमिशन हो जाता है इन दोनों एफिलेटेड कॉलेज में। जिन भी स्टूडेंट्स के बहुत 0, 50, 100, 200 मार्क्स भी होंगे तो इन एफिलेटेड कॉलेज में आराम से एडमिशन हो जाएगा। एडीसी में बॉयज की काउंसलिंग कीर्तगंज परिसर में ऑफलाइन होती है, और गर्ल्स की जो काउंसलिंग है वो जी रोड परिसर में होती है। एसपीएम आपका फाफा मऊ में है। ठीक है, और वहीं बीए, बीएससी, बीकॉम का तो मैंने आपको दोनों बताया। अभी सीएमपी में भी लगातार आपकी कट ऑफ पता है आपको गिर रही है, सीएमपी डिग्री कॉलेज में भी आपकी लगातार बीए की भी गिर रही है, बीकॉम की भी गिर रही है। अब बीसीए की कल कट ऑफ आई, यूआर की 400 गई है। ठीक है, बीसीए कोर्स की कल कट ऑफ आई, पहली 400 गई, और अभी बीसीए में यूआर की कट ऑफ अभी बहुत ज़्यादा गिरने वाली है। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी वाइज भी बहुत ज़्यादा गिरेगी, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए बीसीए के स्टूडेंट्स भी। और अगर आपको पता है सीएमपी में बीए की कट ऑफ अभी 275 चल रही है, अभी उससे भी ज़्यादा गिरेगी, बीकॉम की कट ऑफ बहुत ज़्यादा गिरने वाली है। साथ ही साथ बीएलएलबी की भी कैटेगरी वाइज आप देखे होंगे कट ऑफ आना शुरू हो गई है, लेकिन बीएलएलबी का करेक्ट डाटा नहीं बताया जा सकता और कितनी गिर सकती है, लेकिन जितना डेटा आएगा मैं डेली के डेली आपको अपडेट किया करूंगा। सीएमपी में इतनी बीएलएलबी की कट ऑफ गिर रही है। ठीक है, बाकी सीएमपी में और आईएसडीसी में दोनों में बीएलएलबी की कट ऑफ लगातार आ रही है और लगातार गिर रही है। ठीक है, आईएसडीसी में भी अभी आपको बीए की बीकॉम की कट ऑफ लगातार गिरने वाली देखने को मिलने वाली है, बीए बीकॉम दोनों की कट ऑफ गिरेगी आईएसडीसी में भी अभी। और ठीक है, ईसीसी में भी अभी बीए और आपके बीकॉम की कट ऑफ लगभग अभी तक जारी हुई है, अभी आगे बीएससी की भी आएगी और बीसीए की भी आएगी, जो भी आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। ठीक है, और बाकी ये जो सब कट ऑफ्स हैं एफिलेटेड कॉलेज में, अभी पहले बहुत परेशान हो रहे थे कि कट ऑफ गिरेगी कि नहीं गिरेगी, हमने पहले वीडियो बनाया था, लेकिन आप विश्वास नहीं कर रहे थे कि कट ऑफ इतनी ज्यादा गिर सकती है। एडीसी में भी इतनी ज्यादा गिर गई, एडीसी में तो प्रूफ के साथ दिखा सकते हैं गिर गया, एसपीएम की अभी कट ऑफ नहीं आई, जब आएगी तब आप प्रूफ के साथ देख लीजिएगा कि इसकी भी इतनी गिरने वाली है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स अभी इन्हीं सब कॉलेज के पीछे डाइवर्ट है, एडीसी में, सीएमपी में, आईएसडीसी में, ईसीसी में, जिसकी कट ऑफ आ रही है, एसपीएम के बाद में आएगी जिसके बहुत ज्यादा इसकी कट ऑफ आपको गिरने वाली है। ठीक है, इन सब कॉलेजेस में 0, 50, 100, 200 मार्क्स में भी एडीसी एसपीएम में एडमिशन हो जाएगा। बीसी आपका ईसीसी में भी अवेलेबल है, सीएमपी में भी अवेलेबल है, और बहुत ज्यादा इन दोनों कॉलेजेस में बीसी
बीसीए की भी कट ऑफ गिरेगी, बीसीए वाले स्टूडेंट जो अभी परेशान ना, अभी तो मेन कैंपस में भी आपको पता है कट ऑफ लगातार गिर रही है, ठीक है, और बीएनएलबी कोर्स आईएसडीसी में सीएमपी में लगातार गिर रही है, और गर्ल्स कॉलेज एसएस खन्ना आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में भी है, ठीक है, वहाँ भी कट ऑफ गिर रही है, मेन कैंपस भी मेरिट लिस्ट आ रही है, ठीक है, और बाकी अगर आपके नहीं हो रहा है सीएमपी में नहीं हो रहा, अगर आईएसडीसी में नहीं हो रहा तो एडीसी या एसपीएम में बीए बीएससी बीकॉम में आप एडमिशन ले लीजिएगा, बीए बीएससी बीकॉम इन दोनों कॉलेज तो आराम से मिल जाएगा, आपको उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी तो सीएमपी की भी कट ऑफ और गिरेगी, आईजीसी की भी और कट ऑफ गिरेगी बीए बीएससी बीकॉम में, ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए और कट ऑफ आने दीजिए, एडमिशन सभी स्टूडेंट्स का बीए बीएससी बीकॉम में तो हो ही जाना है, और बीसीए की भी कट ऑफ लगातार गिरी रही है, इसी सीएमपी में भी गिर रही है और ईसीसी में भी गिर रही है, और बीएलएलबी कोर्स की तो लगातार आपके आईएससी बीएलएलबी में लगातार कट ऑफ आ रही है डेली बेसिस पे, ठीक है, इसका डेटा मैं शाम को आपको बताता हूं, ठीक है। कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स और बिल्कुल परेशान ना हो, और जिन स्टूडेंट्स का भी एडमिशन हो जाता है तो धीरे धीरे इलाहाबाद की तरफ रुख करना शुरू कर दे, जितने भी एफिलेटेड कॉलेज में स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं एफिलेटेड कॉलेज में, ठीक है, तो धीरे धीरे आप रुख करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि पता है कुछ दिनों में एडमिशन क्लोज हो जाएगा, उसके बाद क्लासेस चलेंगी, तो धीरे धीरे आपको आएंगे यहाँ रूम देखेंगे, टाइम लगेगा थोड़ा सा ना, तो जैसे जैसे एडमिशन होता जाए आप सब इलाहाबाद के लिए रुक करते जाइएगा, ठीक है। ये पूरा डेटा है जो आज का बता रहा था आपको, बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।